मेंडल की जिंदगी से क्या सीख मिलती है कि जो तुम काम कर रहे हो जरूरी नहीं है कि उसको तुरंत रिकॉग्नाइज किया जा सके। तुम उसके एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो आसानी से कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 7 साल किया, 1856 से लेकर 1863 तक, बुक पब्लिश किया 1865 में और 1884 मर गए। मरते दम तक उनकी बुक को कोई समझ नहीं पाया, उनकी बातों को कोई समझ नहीं पाया। कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने उस किताब में दिया है कोई समझ नहीं पाया। उनके मरने के 16 साल बाद सन 1901 में जाकर उनकी बातों को लोग समझ पाए। आज उन्हीं के कंसेप्ट को, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट को जेनेटिक्स में हम लोग इनपुट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और समझते हैं कि जेनेटिक्स है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। यानी उनके जीते जी सारा एक्सपेरिमेंट उनका कोई समझ नहीं पाया, प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन आज उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि जो आप काम कर रहे हो जरूरी नहीं कि उसको आज ही रिकॉग्नाइज किया जाए, आपके जिंदा रहते ही किया जाए, वो बाद में भी अगर आप सही काम कर रहे हो तो बाद में भी उसका रिकॉग्निशन हो सकता है। ये किसका है? मेंडल की लाइफ से हम लोग को सीख मिलती है।